हमने T20 में हालत की थी वो तो सब दुनिया जानती है। वर्ल्ड कप से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान मैच की बात हो रही है। जसप्रीत बुमराह, आई लव टू सी हिम टू कम बैक इनटू द टीम एंड इफ ही कम बैक इनटू द टीम सो दैट विल बी अ बिग बूस्ट अप टू द इंडियन क्रिकेट। मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान की जो ये नैरेटिव है ना वो मैचेस का इतना हाइप होता है और वर्ल्ड कप से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान मैच की बात हो रही है। ये वर्ल्ड कप है, बाकी टीम्स भी आ रही हैं और अब मुझे लगता है वो एंगल जो है आप पॉलिटिसाइज जो करते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को, फिर लोग उसको जस्टिपोज उसको बिल्कुल जोड़ते हैं क्रिकेट के साथ और फिर क्रिकेट की हार जीत को एक अलग तरह से हार जीत के लिए माना जाता है। तो मुझे लगता है कि वो अब खत्म हो चला जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब हमारे मन से वो पाकिस्तान का हुआ जो है वो हमने कहा है कि चलिए आप अपना करिए हम अपना चल रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इंडिया की, जिस तरह से इंडिया कर रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम थ्राइव कर रही है, इंडियन क्रिकेट थ्राइव कर रही है, पाकिस्तान में अपनी मुसीबतें हैं। तो पाकिस्तान पे अब थोड़ा सा तरस ज्यादा आता है, जबकि अब उसको मैं राइवलरी नहीं मानता। अब क्रिकेट फील्ड में कभी कभी चलिए हार भी जाते हैं और कभी जीत जाएंगे, तो ना उनकी उनको हराने से हमें ज्यादा खुशी होती है और ना उनसे हारने से कभी कभी हमें ज्यादा दुख होता है। पाकिस्तान की अभी जो हमने T20 में हालत की थी वो तो सब दुनिया जानती है, तो मैच अच्छा होगा लेकिन अंततः भारतीय टीम ही जीतेगी क्योंकि उसके पास एक अच्छे अनुभवी टीम है। सर अभी परफॉर्मेंस है उसको लेकर क्या आपको प्रतिक्रिया सर उस पर? नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जिस प्रकार से भारतीय टीम को खेलना चाहिए थी नहीं खेली, उसके लगातार दो महीने तक वो T20 के मैचेस खेलते रहे। टेस्ट मैच बिल्कुल भिन्न होता है एक दिवसीय मैचों से और T20 के मैचेस से, और T20 के पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी टेस्ट सीरीज भी थी वो दो या ढाई महीने में ख़त्म होती चली गई। किसी गेंदबाज में भी नहीं था कि चौथे या पांचवें ओवर के बाद वो सटीक गेंदबाजी करे, क्योंकि दो महीने तक उनकी प्रैक्टिस चार ओवर तक की थी, तो हर एक ओवर में एक या दो बॉल लेग स्टंप पर जाकर बैट्समैन पर से वह दबाव हटा लेते थे। और एक दिवसीय मैच हमारे बल्लेबाज इतने खेले थे कि क्योंकि वहाँ तो हर बॉल पर मारना होता है, टेस्ट मैच में बहुत संयम की आवश्यकता होती है और वो संयम नहीं दिखा और हम देखें कि उन्होंने शॉट्स खेले ज़्यादा और आउट होते चले गए। It will be very good for the Indian team because we all the matches are playing in the home soil, so we know how the conditions are. And especially if we talk about the first game, India Australia in Chennai. The Chennai is a very good wicket, is a good batting wicket over there. So hopefully, I should be pray for the Indian team that all the seniors, especially like Virat Kohli, Rohit Sharma, they have to be score bigger runs. Whatever the series they are going to play before the World Cup, they have to score runs in that matches. And especially when Jasprit Bumrah, I love to see him to come back into the team. And if he comes back into the team, so that will be a big boost up to the Indian cricket. Sir, Rishabh Pant will likely to miss this World Cup because he might be fit or not till the time. But whom do you see the wicketkeeper? As KL Rahul is not fit this time, but apart from him, who will be the best choice for a wicketkeeper? This Ishan Kishan is there only. Ishan Kishan I am seeing over there because he is the one who can play aggressively. He can open the inning. He can play at the middle order, especially he's being a left-hander. So you love to see a left-hander because Rishabh Pant plays at number 4, number 5. So we need sometimes a left-hander at the number 4, number 5. So Ishan Kishan is the best player to be over there, especially in the coming series. Keep playing him all the ODI matches. Keep giving him opportunity and give him that confidence that you are going to play the World Cup. If you give him that confidence, then player will be performed differently. If they keep on changing, either he plays or Sanju Samson plays or KL Rahul comes into the scene, then things will be difficult. I think the sports staff this time don't make that mistakes what they may make it in the before making the playing 11. So this time I think so that Ishan Kishan has to be playing into the 11 and I'm looking him at the playing at the middle order.